तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कलश टीवी के सीरियल निर्जा एक नई पहचान के कलाकारों के रियल नेम और उनके रियल एज से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो का एंड तक बने रहे और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन पे बात करते हैं दोस्तों स्नेहा बाग। दोस्तों स्नेहा बाग शो में प्रतिमा का किरदार निभाते नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 4 अक्टूबर 1987 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 35 ईयर है। नंबर टू में बात करते हैं दोस्तों अयूब खान। दोस्तों अयूब खान शो में विजय का किरदार निभाते नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 23 फरवरी 1969 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 54 ईयर है। नंबर थ्री में बात करते हैं दोस्तों विवाह छिब्बर। दोस्तों विवाह छिब्बर शो में शुभ्रा का किरदार निभाते नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 1971 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 52 ईयर है। नंबर फोर में बात करते हैं दोस्तों कुशाग्रा। दोस्तों कुशाग्रा दुआ शो में सार्था का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 5 फरवरी 1990 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 33 ईयर है। नंबर फाइव में बात करते हैं दोस्तों काम्या पंजाबी। दोस्तों काम्या पंजाबी शो में दिदुन्नी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी एंड दोस्तों इनका जन्म 13 अगस्त 1979 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 44 ईयर है। नंबर सिक्स में बात करते हैं दोस्तों आनंदिता चटर्जी। दोस्तों आनंदिता चटर्जी शो में मौसम्बी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 11 जून 1980 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 43 ईयर है। नंबर सेवन में बात करते हैं दोस्तों अभिषेक रावत। दोस्तों अभिषेक रावत भी शो में कौशिक का किरदार निभाते नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 26 सितंबर 1980 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 43 ईयर है। नंबर एट में बात करते हैं दोस्तों सानिया नागदेव। दोस्तों सानिया नागदेव शो में सिब्बू का किरदार निभाते नजर आएंगे एंड दोस्तों इनका जन्म 19 जुलाई 1980 को हुआ। 2023 के अनुसार इनकी एज 43 ईयर है। तो दोस्तों ये थे टीवी सीरियल निर्जा एक नई पहचान के कलाकारों के रियल नेम और उनकी रियल एज। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।